इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में जो नतीजे हैं वो आ गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो उपचुनाव की जो काउंटिंग आज हो रही थी उसमें भाजपा ने विजय पाई है और अमन गिरी जो है वो 32,000 से वोट से जीता है। मतलब सपा को करारी हार इसमें देखने को मिली है। एक बड़ा आंकड़ा यहां पर बीजेपी ने हासिल किया है, 32,000 वोटों से जीते हैं अमन गिरी। इस वक्त की बड़ी खबर गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव सीट पर जो परिणाम आज घोषित हुए हैं, अमन गिरी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी के प्रत्याशी है अमन गिरी और यहां पर सपा को फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा और तकरीबन जो अंतर था वो 32,000 वोटों से जीते हैं अमन गिरी। और आपको बता दें काफी दिलचस्प चुनाव ये माना जा रहा था, ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त शुरुआत से ही बनाकर रखी इस पूरे उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान, लेकिन आखिरकार जो आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया था 32,000 तो बड़ा आंकड़ा ये माना जाता है बेसिकली किसी भी उपचुनाव या चुनाव में, जो कि विधानसभा उपचुनाव गोला गोकर्णनाथ जो सीट थी ऐसे में बीजेपी के कैंडिडेट भारी मतों से जीते हैं। आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ से इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से उपचुनाव में भाजपा की जीत, भाजपा कैंडिडेट अमन गिरी। और अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं शुभकांत श्रीवास्तव। शुभकांत, यहां पर देखा जाए एक बड़ी जीत जिसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था, जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई वैसे ही भाजपा के कैंडिडेट अमन गिरी ने पहले से ही काफी बढ़त बनाकर चले और आखिरकार 32,000 बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है। देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि अमन गिरी के जो फादर थे वो एक बड़ा चेहरा माने जाते थे गोला गोकर्णनाथ की सीट पे। उनकी एकाएक डेथ हुई और उसके बाद जो है अमन गिरी को चुनाव मैदान में उतारा गया, तो कहीं न कहीं पब्लिक की जो सिंपैथी थी वो इस परिवार की तरफ थी, इनके पिताजी के तरफ थी और अमन गिरी के तरफ थी। उसका एडवांटेज इनको ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि एडवांटेज इनको मिलेगा और वो एडवांटेज इनको मिला, तो कहीं न कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि विनय तिवारी का जो आरोप है कि सरकार के द्वारा जो है इस चुनाव को डिस्टर्ब किया गया और उन्होंने स्पष्ट जो है पत्रकारों से बातचीत में विनय तिवारी ने कहा, सपा प्रत्याशी ने, कि चुनाव जो है वो प्रशासन लड़ रहा था बीजेपी की तरफ से और सपा की तरफ से जो है वो जनता लड़ रही थी। तो ये ब्लेम करना जो है विपक्ष का काम रहता है, बिल्कुल। और कहीं न कहीं फिर दोबारा उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको कहीं न कहीं, शुभकांत, ये पहली दफा नहीं है कि सपा या कोई विपक्षी पार्टी ने जो कि आपने कहा कि ये आरोप लगाए हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के उपचुनाव हो या विधानसभा के उपचुनाव हो, जो भी अभी तक हुए हैं उसमें विपक्ष में बैठी सपा यही आरोप लगाती रही है। लेकिन जो आप सैंपथी वोट का जिक्र किया, जाहिर है कि सैंपथी वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने अमन गिरी को मैदान में उतारा था, लेकिन इसके अलावा और क्या ऐसे फैक्टर थे जो कि अमन गिरी के फेवर में आए जिससे 32,000 का एक बड़ा आंकड़ा उन्होंने टच किया? देखिए जो अब कैंपेनिंग की बात अगर किया जाए तो बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग जो है डे वन से होती रही है और भाजपा के बड़े बड़े नेता ब्रिजेश पाठक हो गए और कई ऐसे बड़े चेहरे थे बीजेपी के जो कैंपेनिंग में जाके वहां शामिल हुए, तो इसका कहीं ना कहीं जो है वोटरों पे फर्क गिरा और वोटरों पे सिंपैथी पहले से ही थी जो है अमन गिरी के परिवार से और कैंपेनिंग भी एक अच्छी तरह से आप कह सकते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ना ही था और वो इस चुनाव में फर्क पड़ा और इसी वजह से 35,000 के लगभग इनकी जीत हुई। ठीक है, लेकिन बीच में सपा के जब वोटिंग हो रही थी तो बीजेपी प्रत्याशियों के पहुंचने पर, उनके अंदर घुसने पर और टैम्परिंग करने के उस वक्त भी कुछ आरोप लगाए गए थे सपा के द्वारा। आरोप की अगर बात किया जाए दीपक जी, तो आरोप जो है विपक्ष के द्वारा हमेशा से लगाए जाते रहे हैं, कभी ईवीएम मशीन को लेके, कभी जो है बैलेट बॉक्स को लेके,
तो आरोप विपक्ष हमेशा से लगाता रहा है। अब हार जीत के आंकड़े को अगर देखा जाए तो आप किस तरह से कैंपेनिंग हुई, किस पार्टी की, जनता किधर जा रही है, ये इंडिकेशन जो है वो शुरू से ही मिल जाता है। ठीक है, तो बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये था, बार बार उस चीज को कहना चाहूंगा कि सिंपैथी जो है बीजेपी के काम आई। और दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे उस कैंपेनिंग में जाके शामिल हुए, तो उसका फर्क जो है इस चुनाव पे पड़ना ही था, जो अब दिख रहा है रिजल्ट आने के बाद। जाहिर है कि यहाँ पर जो बीजेपी के पूरा महकमा, सभी अधिकारी और बड़े चेहरे, जैसे कि आपने कहा कि वहां पर चुनाव कैंपेन में पहुंचे थे, जाहिर इसका फर्क पड़ता है। प्लस उनके पिताजी के जो किए हुए काम और उनकी लोकप्रियता भी एक बड़ा काम रही, और सपा के द्वारा उतारा गया कैंडिडेट कहीं ना कहीं कमजोर नजर आया, शायद ये एक भी बड़ी वजह रही इस पूरे उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट की जीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुकांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसमें अमन गिरी जो कि बीजेपी कैंडिडेट थे वो 32,000 वोटों से जीत गए हैं, और इस पूरे उपचुनाव को अगर देखें तो जाहिर है कि बीजेपी ने कहीं पर कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी की यही फंडा है, उसका यही एक फॉर्मूला है कि कोई भी चुनाव, चाहे वो उपचुनाव हो, कोई भी एक सीट क्यों ना हो, बीजेपी पूरी दमखम से उसमें जुट जाती है और मेहनत करती है। शायद उसी का नतीजा है कि 32,000 एक बड़ा आंकड़ा टच किया अमन गिरी ने।